यह बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। धीरे धीरे गौ माता राष्ट्र माता के रूप में जानी जाए। पूरे केंद्र सरकार को इसको चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको पालन करने के लिए आदेश पारित करे, जिससे सभी पूरे देश के लोग गौ को आदर सम्मान दें और उसका पालन पोषण करें। और जहां तक उन्होंने सब्सिडी देने के लिए भी कह दिया है, यह भी साथ साथ हो जाना चाहिए, जिससे गौ को पालन करने में किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी कठिनाई न हो। धन्यवाद है महाराष्ट्र को, विशेष कर एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने ऐसे कदम उठाया है और देसी गाय को राज्य पशु के रूप में उसे स्वीकार किया है। यह बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। यह प्रसन्नता का विषय है और बड़े हर्ष का विषय है कि ये महाराष्ट्र सरकार में गौ माता की अतीव प्रसन्नता का विषय है और सारे प्रदेश में, सारे देश में, भारतवर्ष में ये गौ माता का अति प्रसन्नता का विषय है कि जिससे सारे जगत में प्रसार हो जाए, प्रचार हो जाए, प्रसार हो जाए, गौ माता का सदैव पालन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौ को राज्य माता के रूप में अध्यादेश को पारित किया गया है, ये बड़ा हर्ष का विषय है, जिसके द्वारा हम सनातन के द्वारा पालित पोषित जो भी हम लोग हैं उसके द्वारा हैं, उसमें गौ माता का प्रमुख स्थान है और गौओं के कृपा से सनातनियों का अस्तित्व है। गाय हमारी माता थी, हैं और रहेंगी, और महाराष्ट्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र से होते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ पे श्री आदि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वो एक बहुत बड़े संत हैं, मुख्यमंत्री के अलावा वो संत भी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी अपने प्रदेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलावें और इसी प्रकार धीरे धीरे गौ माता राष्ट्र माता के रूप में जानी जाएं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।